हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस चैप्टर 14 क्लास 8 फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी डिस्कस सम फॉर्मूलाज फॉर रिलेटेड फैक्टराइजेशन चैप्टर एंड सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट फैक्टराइज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ऑब्जर्व करना है कि हम क्या यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है एंड विच क्वांटिटी विच फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इसको आप एक फॉर्मूला बना यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और ये अलग होगा, ये ए के होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज माइनस सी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस आइडेंटिटी यूज इन दिस क्वेश्चन। देन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर। इन दिस सिचुएशन वी यूज ए अनादर फॉर्मूला, एक दूसरा फॉर्मूला भी यहां पर यूज होगा, और फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट इज ए माइनस बी। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन ए माइनस बी ए प्लस बी दिस एंड नेक्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी। क्लियर? ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये हमने फैक्टराइजेशन किया, इस पूरे ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर? नो डाउट। एंड आफ्टर दिस फैक्टराइज ए अनादर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर्स। क्वेश्चन इज 3m² प्लस 9m प्लस 6। स्टूडेंट 3m² प्लस 9m प्लस 6, इन दिस सिचुएशन यहां पर आप क्या किसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं? नो। सो फर्स्ट वी ट्राई द कॉमन ऑफ इन दीज टर्म्स। यहां पर क्या कॉमन है स्टूडेंट? 3। सो 3 इज कॉमन, देन m² प्लस 3m प्लस 2। ओके, देन 3 इज कॉमन। अब m² प्लस 3m प्लस 2, इसमें आप मिडिल टर्म को एस्टीम करें स्टूडेंट, 2 ऐसे टर्म्स एड अप करने पर 3m और न्यूमेरिकल कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करने पर 2 हमको मिले, जो कांस्टेंट टर्म है इसके इक्वल हमें आ जाए। तो देखिए m² प्लस 2m प्लस m प्लस 2, 2m प्लस m 3m। ओके, एंड न्यूमेरिकल 2 एंड m मीन्स 1 सिंगल 1, देन 2 वन जा 2। ओके, सो 3 इन दिस टू टर्म्स m इज कॉमन, देन m प्लस 2 एंड नेक्स्ट टू टर्म्स इज कॉमन प्लस 1, देन
m प्लस टू। स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें, कॉमन लेने के बाद आफ्टर कॉमन जब आप यहाँ पर ले लेते हैं, टेक करते हैं, उसके बाद जो ब्रैकेट्स होंगे उनमें सेम आंसर आपको मिलेगा। सो फैक्टर्स आर 3m प्लस वन एंड m प्लस टू। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर हमें जो फैक्टर्स मिले हैं 3m प्लस वन एंड नेक्स्ट m प्लस टू। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन एक्सरसाइज 14.3 एंड क्वेश्चन इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन इज 12xy इन ब्रैकेट 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड 4xy एंड ब्रैकेट 3x प्लस 4y। ओके, सो फर्स्ट स्टूडेंट 12xy इन दिस ब्रैकेट, इन दोनों ही टर्म्स में कुछ कॉमन है स्टूडेंट? बताइए क्या कॉमन है यहाँ पर? है कुछ कॉमन? नहीं है कॉमन, बट यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है स्टूडेंट, और आइडेंटिटी है 9x स्क्वायर को हम यूज कर सकते हैं 3x होल स्क्वायर, 16y स्क्वायर 4y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4y। अगेन दिस इज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। सो 12xy फर्स्ट ब्रैकेट 3x प्लस 4y एंड नेक्स्ट ब्रैकेट 3x माइनस 4y अपॉन डिवाइडेड बाय 4xy ब्रैकेट 3x प्लस 4y। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं आप 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y को, एंड 4 3 जा 12 xy से xy डिवाइड हो चुका है, देन फाइनल जो आंसर है, जो फैक्टर है हमें यहाँ पर फाइंड किया स्टूडेंट 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 4y। क्लियर स्टूडेंट? सो आई होप दैट फैक्टराइजेशन के जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गए हैं, डाउट नहीं होना चाहिए इनमें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बाय, थैंक यू वेरी मच।